हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। दोस्तों, एडसेंस को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है। एक मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, एक चैनल है जिसके ऊपर मोनेटाइजेशन डिसेबल दिखा रहा है। उसका सारा क्रिएटर कंप्लीट हो चुका है, 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 4,000 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। जब YouTube चैनल को एडसेंस से अटैच करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मैसेज आता है, मेल आ जाती है कि यू हैव ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, और अकाउंट अप्रूव नहीं होता, डिसेबल दिखाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो चैनल डाउटफुल है वो मैंने ओपन कर लिया है, इसमें इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है सब्सक्राइबर 1037, यानी कि 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है, चैनल अंडर रिव्यू में जा चुका है। अब हम इसकी मोनेटाइजेशन में चल के देखते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन में जाते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो स्टेप वन यानी कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, जो पार्टनर प्रोग्राम्स की, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स की जो टर्म्स थी, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर पे कह रहा है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, यहाँ पे एरर आ रही है। और वो एरर क्या है, यहाँ पे कह रहा है योर एसोसिएट एडसेंस अकाउंट हैज डिसअप्रूव्ड कर दिया गया, क्यों? दिस मे बी ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी कि इस नाम से पहले ही एडसेंस अकाउंट बना हुआ है और एक नाम से दो एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते, ये YouTube पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तीसरा स्टेप है गेट रिव्यूड, यानी कि चैनल अंडर रिव्यू है, ये पोज दिखा रहा है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, वो हमारी स्टेप दो के अंदर है, हमने इसको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे डू नॉट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी कि हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, हमने नया अकाउंट बनाना है और यहां पे कर देंगे कंटिन्यू। अब हमने वो अकाउंट चुनना है कि कौन से अकाउंट पे आप एडसेंस बनाना चाहते हो। देखो, मैं एक मेल दिखाता हूं, पहले मेरे पास मेल भी आई है, मेल भी दिखा रहा है कि यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, ये मेल रिगार्डिंग जो मेल आईडी दी हुई है इस मेल आईडी से कनेक्ट है। तो इस मेल आईडी से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो वो नाम चेंज करना है जिस नाम से पहले बना हुआ है, मेल आईडी कोई भी हो सकती है। अब क्या करें, अब सबसे पहले हमको एक मेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, नई मेल आईडी। तो मेल आईडी आप बनाना जानते हैं, है ना, आप मेल आईडी नई क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और फॉर माई एक्सेल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी जो बनाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड कंफर्म कर लें और नेक्स्ट करें। इस हिसाब से आप अपनी डिटेल डालते चले जाएँ, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और एक नई आईडी क्रिएट कर ले। मैं फटाफट नई मेल आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमने जैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया था और अपनी मेल आईडी चुननी है, तो वो वाली मेल आईडी चुने यहाँ पे जो आपने अभी अभी नई क्रिएट की है। मैंने ये वाली क्रिएट की है, मैं इसको चुनूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके पासवर्ड में डाल देता हूँ, और नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले योर वेबसाइट, हमारा यूट्यूब का यूआरएल आ गया। दूसरा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, इसको हमने कर देना है नो, डोंट सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड प्रीफरेंस सजेशन। फिर हमने अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, यहाँ से हमारी कंट्री जो भी है, मैं यहाँ पे चुनता हूँ इंडिया। और थोड़ा सा नीचे चलेंगे और हम तो यहाँ पे इसको कर देंगे यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और कर देंगे क्रिएट एन अकाउंट। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसको कर दे गेट स्टार्टेड, हमारा एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट टाइप के अंदर हम चुन लेंगे इंडिविजुअल अकाउंट, नेम एंड एड्रेस के अंदर हम एक्चुअल नेम जो हमारा आईडी के अंदर था वो नेम यहाँ पे फिल करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। नेम हो गया, उसके बाद अपना एड्रेस,
सही प्रकार से अपनी सिटी, अपना विलेज, अपना पिन कोड, अपना स्टेट पूरी तरह से चुनने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। अब ये रिडायरेक्टिंग टू योर होस्ट में दिखा रहा है, वी आर रिडायरेक्टिंग टू यू होस्ट वेयर यू कैन कंटिन्यू दिस। ठीक है, वहां पे ना तो आपने रिडायरेक्ट करना था ना कैंसिल करना था, हमने थोड़ा सा वेट करना था और आपके पास ये मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। हम क्या कह रहे हैं कि आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे थोड़ा सा 8 से 10 घंटे का। ओके, देखिए मेरे को हो गए लगभग 13 से 14 घंटे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था शाम को, ठीक है, और रात को 8-10 घंटे बाद तो मैंने चलाया नहीं, मैं सो रहा था। तो सुबह अब मैं करीब बज रहे हैं 9, तो मैं अब फिर से मैंने इसको लॉगिन कर लिया, ठीक है। डैशबोर्ड पे आगे वापस हम चलते हैं अपने मोनेटाइजेशन के अंदर, ठीक है। मोनेटाइजेशन में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 तो हमारा डन था ही, स्टेप 2 जहाँ पे एरर दिखा रहा था अब वो भी यहाँ पे डन दिखा रहा है, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉज हो रहा था हमारा गेट रिव्यूड जो अंडर रिव्यू था चैनल, वो पॉज की बजाय अब इन प्रोग्रेस, अब ये प्रोग्रेस में है। तो मिनिमम 1 वीक या मैक्सिमम 1 महीना तो मैक्सिमम होता है, 1 वीक के अंदर ही मेरी मोनेटाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगी इस चैनल की। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरह की अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर शॉर्ट आउट कर पाओगे। और इसके अलावा आप हिम्मत हार के मत बैठा करो, थोड़े हाथ पैर मारो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, किस तरह उसको शॉर्ट आउट करें। अगर शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है फिर भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट्स में बताएं या हमें मेल करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएं, पूरी कोशिश करेंगे। ओके, यदि आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, और यदि कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट्स में बताइए या हमें मेल कीजिए, हम उसको भी शॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।